वीवो की वाई सीरीज का Y20G एक और स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर के साथ। इस वीडियो में इसके अनबॉक्सिंग के साथ फुल फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो 6.51 इंच का आपको इसमें HD+ डिस्प्ले दिया गया है। भाई 15,000 की प्राइस में आप स्मार्टफोन दे रहे हो तो कम से कम फुल HD+ डिस्प्ले तो दे ही सकते थे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और ईयर स्पीकर मिलता है। फोन में नीचे की तरफ आपको एक माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, 3.5mm ऑडियो जैक और माइक के अलावा स्पीकर ग्रिल मिल जाते हैं। तो लेफ्ट साइड में देखेंगे फोन के तो आपको एक सिम ट्रे दिया गया है। सिम इजेक्टर टूल की हेल्प से इसको बाहर निकालेंगे तो एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिलता है। दो सिम के अलावा एक SD कार्ड आप अलग से इंसर्ट कर पाएंगे। हालांकि 128GB स्टोरेज मिलता है, फिर भी आप बढ़ा सकते हैं। ऊपर कुछ दिया नहीं है। राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन के अलावा वॉल्यूम कीज और यही आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि बहुत अच्छे से वर्क करता है, हर स्मार्टफोन में करता है, इसमें भी कर रहा है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं बैक साइड तो आपको यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। 13+2+2 मेगापिक्सल का ये सेटअप तो लुक एंड डिजाइन के हिसाब से ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इसमें आपको 5000mAh बैटरी भी मिलता है। फेस अनलॉक भी मिलता है तो वो भी चेक कर लेते हैं। इंस्टेंट अनलॉक होता है, फेस अनलॉक में भी यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छे से इनरोल कर ले हो एक बार और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से फास्ट ये अनलॉक कर देगा। फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात करते हैं अब इसके सेटिंग मेन्यू में और अबाउट फोन में जाएंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी दी गई है। 6GB का रैम मिलता है आपको, 128GB स्टोरेज मिलता है और आपको मीडियाटेक हीलियो G80 ऑक्टा कोर प्रोसेसर एक मिल जाता है जो कि गेमिंग के हिसाब से ठीक प्रोसेसर है। फंटा चॉइस 11 दिया गया है जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 11 पे, तो एंड्रॉयड 11 के लेटेस्ट आपको फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। साथ ही फ़ोन में आपको जो कैमरा मिलता है उसका फर्स्ट लुक देखेंगे तो ठीक है। कैमरा को ओपन करने के बाद वही सारे आपको मोड मिल जाएंगे, बुके वाले, सुपर मैक्रो, पोर्ट्रेट वगैरह सारे मोड मिल जाएंगे। अब यहाँ पे और देखेंगे तो आपको एक मोड में जाएंगे तो एक स्लो मोशन का फीचर भी है और वीडियो सेटिंग चेक करेंगे तो 1080p के अलावा 720p भी आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। बॉक्स कंटेंट की यहाँ पे बात करें तो आपको एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिलता है, कुछ यूजर मैनुअल है और एक सिम इजेक्टर टूल दिया गया है। इसके अलावा नीचे आपको मिलता है 9V 2A का चार्जर, 18V का आपको चार्जिंग आउटपुट मिल जाएगा। इसके अलावा एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल मिलती है। तो 14,990 रुपीज़ की प्राइस में आपको ये सब चीज़ें मिलती है। HD+ डिस्प्ले की जगह यहाँ पे फुल HD+ डिस्प्ले हो सकता था और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ओवर प्राइस ये लगता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।